हेलो एवरीवन, दिस इज एडी हियर। और इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे हॉस्टल में रहते हैं और मुझसे हमेशा पूछते हैं कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में इतने पतले थे और अब थर्ड ईयर में ऐसे कैसे हो गए, और मैं हॉस्टल में रह के भी इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना लिया। सो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मेरी फर्स्ट ईयर की बॉडी है, और अभी जो दिख रहा है ये मेरी थर्ड ईयर की बॉडी है। सो इतना मैंने कैसे ग्रो कर लिया, लाइक सबसे पहला मेन चीज है कि मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ और वेल डिसिप्लिन्ड रहा हूँ। लाइक मैं फोकस था अपने गोल को लेके कि मुझे बॉडी बनानी है। तो अगर कोई भी जिम जा रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए, या किसी भी कोई भी गोल हो, या कोई भी उनके मन में कोई ऐसा कोई बंदा हो या उनके तरह बॉडी चाहिए, तो सबसे पहले उनका जो एम हो वो बहुत क्लियर होना, बहुत ज़्यादा क्लियर होना जरूरी है। और बिना कंसिस्टेंसी की ये बॉडी हासिल नहीं हो सकती। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है जिम में तो आपकी बॉडी बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि अगर मैं बॉडी बना सकता हूँ हॉस्टल में रह के, तो आप क्यों नहीं। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, मेरे हॉस्टल के लोगों ने, भाई कैसे बॉडी बनाए। सो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बात करते हैं हम वर्कआउट की। आप जब भी जिम जाते हो तो आप हमेशा अपना पहले से ही माइंडसेट बना के रखें कि आपको जिम में हैवी लिफ्ट करनी है। आप अगर ढंग से वर्कआउट नहीं करोगे, आपका अपना 100% नहीं दोगे जिम में, तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपको हर सेट में हर रैप अच्छे से कंप्लीट करना है, फील करते हुए आपको अच्छे से वर्कआउट करनी है। अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए तो मेरे आप इंस्टाग्राम के आईडी पे पूछ सकते हो मुझसे। वो आपका वर्कआउट में 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ है आपकी डाइट। डाइट में मैं हॉस्टल का खाना खाता हूँ, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी एंड जो भी रहता है। सो मैं चार चीज़ मैंने अलग से इंक्लूड कर रखा है मेस के खाने से। पहला चीज़ है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई जिम वाले लोग के लिए क्रिएटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है प्रोटीन पाउडर, एंड थर्ड चीज़ है पीनट बटर, एंड फोर्थ चीज़ है बॉइल्ड एग्स। मैं बॉइल्ड एग्स डेली खाता हूँ 5 to 6, और ये सबसे मेन चीज़ है मेरे डाइट में एग्स खाना। लाइक जब से मैंने एग्स खाया, लाइक बूम, मेरी बॉडी एकदम से ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी। पहले मैं एक मतलब सिंगल एग्स खाता था पर डे, पर अब मैं 5 to 6 खाता हूँ। लाइक मैं धीरे धीरे मैं बढ़ाता हूँ। अगर आप भी एग्स खाते हो या मतलब आप खा सकते हो, तो कोशिश करना कि आप धीरे धीरे बढ़ाओ। पहले एक एग्स से स्टार्ट करो, उसके बाद दो, कुछ हफ्ते बाद तीन, फिर कुछ टाइम बाद 4-5, ऐसे मतलब एकदम से मत खाना। शायद आपको बैड इफेक्ट दे दे या कोई साइड इफेक्ट दे दे, तो एकदम से मत खाना। एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वर्कआउट से पहला हमेशा आधे घंटे पहले बॉइल्ड राइस खाता हूँ। बॉइल्ड राइस मैं हमेशा अपने साथ टिफिन कैरी करता हूँ हमेशा, और जब भी मैं मैच जाता हूँ तो उसमें मैं चावल भर लिया करता हूँ, और उसी को मैं प्री वर्कआउट में यूज़ करता हूँ। लाइक मैं जब जिम जाता हूँ करीब 5 बजे, तो मैं 4:30 बजे बॉइल्ड राइस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता हूँ और खा लेता हूँ। लाइक बॉइल्ड राइस में कार्ब्स होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा बॉडी में पंप लाने के लिए कार्ब्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी में कार्ब्स लोड नहीं होंगे, आपकी बॉडी पंप नहीं होगी। तो मैं बॉडी को पंप करने के लिए जिम में अच्छे से, ताकि पंप आए, इसलिए मैं कार्ब्स कंज्यूम करता हूँ, और कार्ब्स में है बॉइल्ड राइस। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करके देखो और बताओ कैसा लगता है। आई एम डैम श्योर कि आपको अच्छा पंप आएगा। और मैं हमेशा अपने स्लीप को बहुत प्रियोरिटी देता हूँ। लाइक मेरा जो स्लीपिंग शेड्यूल है 6 to 8 hours का है, और स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी जिम जाते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर स्लीप आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी फैटीग रहेगी, दूसरे दिन आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। आप भले चाहे कितना भी डाइट वर्कआउट 100% दे दो, बट स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में गर्लफ्रेंड से बात ना करें, सो जाएं, और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे अच्छे से और बिना कोई डिस्टर्बेंस के। मैं हमेशा 6 से 8 घंटे सोता हूँ, और आपको भी 6 से 8 घंटे सोने चाहिए अगर आप सीरियसली ग्रोथ देखना चाहते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको ग्रो होना है, जिम जाना है, और जिनको कोई भी टिप्स चाहिए मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग। इंस्टा आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप मेरे इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं। तो
इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।